गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज एंटी फंगल ड्रग। नाम से ही पता लग गया कि वो वाली ड्रग जो कि आपके फंगस के अगेंस्ट वर्क करती है उसको बोलते हैं हम एंटी फंगल ड्रग। ये क्या होती है आपकी बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज होती है। अगर आपको इन्फेक्शन यानी कि पर्सन टू पर्सन फैल सकती है। इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय फंजाई कॉल्ड म्यूकोसिस दे आर ऑफ्टन क्रोनिक इन नेचर। अगर हमने इसको इग्नोर किया तो ये आपकी क्रोनिक डिजीज भी हो सकती है, क्रोनिक इन्फेक्शन बन सकता है। फंजाई हैज रिच सेल वॉल्स कंपोज ऑफ चीटिन। जो फंजाई की क्या होती है, फंगी जो सेल वॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है। वो किससे मिलकर बनी होती है, चीटिन से। तो तभी क्या होता है, मोस्टली एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं कर पाती। द फंगल सेल मेम्ब्रेन कंटेन इर्गोएस्ट्रोल रेदर देन द कोलेस्ट्रोल फाउंड इन मैमेलियन मेम्ब्रेन। क्या होता है, मैमल्स की कैटेगरी में जो भी फाउंड होता है वो कोलेस्ट्रोल होता है, बल्कि जब फंगल की सेल मेम्ब्रेन में अगर हम देखते हैं तो वहां पे इर्गोएस्ट्रोल होता है। तो एंटी फंगल ड्रग क्या करेगी, ये जो आपका इर्गोएस्ट्रोल है उसको खत्म कर देगी। जब ये खत्म कर देगी तो क्या होगा, आपका जो फंगस की ग्रोथ है वो वहीं पे इनहिबिट हो जाएगी। These chemical characteristics are useful in targeting chemotherapeutic agents against fungal infection. और ये क्या करता है, जो भी हम therapeutic agents लेते हैं वो ये क्या करता है, इर्गोएस्ट्रोल को ही खत्म कर देता है। Human fungal infection have increased dramatically over mainly to advance in surgery, cancer treatment and critical care accompanied by increase in use of broad spectrum antimicrobial and the HIV epidemic. अब क्या है, जो एंटी फंगल इन्फेक्शन है वो क्रिटिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो पा रहा है। क्यों, कई बार क्या होता है सर्जरी के दौरान हमें इन्फेक्शन हो जाता है, कोई कैंसर ट्रीटमेंट करवाते हैं ड्यूरिंग तब हो जाता है हमें। तो क्या हो जाता है कि हमें जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब जो कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वहां पे एक्ट करती है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से हम एंटी फंगल ड्रग्स यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है उसका, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो फर्स्टली क्या आएगा कि वो वाली ड्रग्स होगी जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन, जो फंगस की सेल मेम्ब्रेन है उसी को ही खत्म कर देगी। ठीक है, फर्स्ट कौन सी ड्रग्स आती है, मेनली इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ इर्गोएस्ट्रोल। बताया कि जो फंगल की सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली किससे मिलके बनी हुई है, इर्गोएस्ट्रोल से, जो कि एज अ सुरक्षा कवच कह सकते हो। अगर हमने इर्गोएस्ट्रोल को ही खत्म कर दिया तो बैक्टीरिया की ग्रोथ है अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आपकी अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो फर्स्ट ड्रग्स आती है वो मेनली आती है कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, मिकोनाजोल, टर्बिना फाइन। ये आती है आपकी वो वाली ड्रग्स है जो कि आपकी फंगल की सिंथेसिस को भी, जो फंगल का जो मेम्ब्रेन है इर्गोएस्ट्रोल, ठीक है, उसको भी खत्म कर देती है। नेक्स्ट है आपका एम्फोटेरासिन बी। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, जो कि फंगल का न्यूक्लिक एसिड बनने ही नहीं देती। वो कौन सी कैटेगरी में आती है उसकी ड्रग, फ्लूसाइटोसिन। जो फ्लूसाइटोसिन है वो फंगल का न्यूक्लिक एसिड ही नहीं बनने देती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका न्यूक्लिक एसिड डीएनए नहीं बनता, फिर प्रोटीन नहीं बन पाएगा, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा जो आपका फंगस है। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो कैटेगरी है वो है डिस्ट्रीब माइक्रोट्यूब्यूल्स फंक्शन। जो भी आपका बैक्टीरिया का माइक्रोट्यूबुलर फंक्शन होता है उसको डिस्टर्ब कर देती है, यानी कि खत्म कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका फंगस अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ फंगल सेल वॉल वेलेबिलिटी, मतलब कि जो फंगस की सेल वॉल है उसको भी खत्म कर देती है, यानी जो मेनली सुरक्षा कवच है सेल वॉल यानी कि चीटिन, तो चीटिन को ही खत्म कर देती है, तो जो उसका सुरक्षा कवच है वो ही खत्म हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, फंगल में क्या जितने भी आपके सेलुलर कंपोनेंट्स है फंगल के वो लीक आउट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया वहीं पे ही किल हो जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करते हैं उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, हम उसे कैसे देते हैं, अगर हम टॉपिकली देते हैं तो उसके अंदर कौन सी ड्रग्स आती है, नियास्टाटिन, क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, एम्फोटेरासिन बी। ठीक है, क्लोटी
रामाजोल, इकोनाजोल, तो ये सब आपके टॉपिकली अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करते हैं ओरल, ओरल में हम देते हैं मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूसाइटोसिन, क्रिस्टोफिलबिन, टर्बिनाफाइन। नेक्स्ट है आपकी, अगर हम आईवी के थ्रू देते हैं तो एम्फोटेरासिन, मिकोकोनाजोल, फ्लूसाइटोसिन एंड फ्लूकोनाजोल। ये है आपके अकॉर्डिंग टू ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हम जो मेडिसिन है वो किस रूट से देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, तो जिनमें पोलीन आता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरासिन बी नाइस्टेटिन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पायरिमिडिन्स की, तो उसके अंदर आते हैं फ्लूसाइटोसिन। नेक्स्ट है अगर हम बात करते हैं अजोल्स की, तो इसके अंदर किटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, फ्लुकोनाजोल, वर्कुनाजोल। अगर हम बेंजोफ्यूरिन की बात करते हैं तो उसके अंदर ग्लूसोफिलबिन आता है। अगर हम मिसलिनियस ड्रग्स की बात करते हैं तो उसके अंदर बेंजोइक एसिड, सैल्सिलिक एसिड, कैप्राइलिक एसिड आते हैं। नेक्स्ट है अगर हम बात करते हैं थेरापीटिक क्लासिफिकेशन की, तो जो वाली ड्रग्स आपके सबक्यूटेनियस और सिस्टमिक के फंक्शन को इनहिबिट करती है वो आती है आपको एम्फोटेरासिन बी, फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। और अगर हम बात करते हैं ड्रग्स फॉर क्यूटिनस माइकोटिक इन्फेक्शन, अगर किसी को माइकोटिक इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम ड्रग्स यूज करते हैं कोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, नाइस्टेटिन, टर्बिनाफाइन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, सेवरल एम्फोटेरासिन बी मॉलिक्यूल्स। हमने जो ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसको बेसिक फंक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे भी डिवाइड किया था। तो एम्फोटेरासिन बी का मॉलिक्यूल्स क्या करता है, वो इर्गो एस्ट्रोल को की में बाइंड होगा जो कि क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेंसिटिव फंगस सेल्स। अगर हमने ये ड्रग्स यूज करी तो क्या होगा, इर्गो एस्ट्रोल जो प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो सेंसिटिव हो जाएगा। दस दे फॉर्म पोर्स that require hydrophobic interaction between lipophilic segment and pauline antibiotic and steroid। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो फॉर्म चैनल्स बनाने शुरू कर देंगे, यानी कि पोर्स बनाने शुरू कर देंगे। उस पोर्स से क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ठीक है, जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स है वो लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा, सेल डेथ। जैसे कि ये अब आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, फंगस की सेल मेम्ब्रेन इर्गो एस्ट्रोल से बनी हुई है। और ये रहा आपका एम्फोटेरासिन बी टैबलेट। जब हम एम्फोटेरासिन बी टैबलेट देंगे तो क्या होगा, आपके बाइंडिंग टू इर्गो एस्ट्रोल इंट्राकेलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही आपका एम्फोटेरासिन बी आएगा तो वहां से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बाहर आना शुरू कर देंगे, यानी कि लीक होना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से सेलुलर कंपोनेंट्स है वो खत्म हो जाएंगे और सेल क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी सेल की। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूज, इट इज यूज एज इनिशियल इंडक्शन रेजिमेन फॉर सीरियस फंगल इन्फेक्शन एंड इट इज रिप्लेस बाय वन ऑफ अजोल ड्रग्स फॉर क्रोनिक थेरेपी एंड प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स। सच इंडक्शन थेरेपी इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट। कई बार क्या होता है, जब हमें इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट जो होते हैं उनको कई बार हमें ये ड्रग्स देनी पड़ती है, ताकि आपका कोई भी, अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह कर रहे हैं तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन अटैक ना कर पाए। इट इज ऑल्सो बी यूज एज ए एम्फेरिक थेरेपी फॉर सिलेक्टिव पेशेंट इन विच द रिस्क ऑफ लिविंग अ सिस्मिक फंगल इन्फेक्शन अनट्रीटेड हाई। ये इसके लिए भी यूज होता है कि अगर हमने कोई थेरेपी दिया और हमें लग रहा है कि उसका रिस्क बढ़ सकता है फंगल इन्फेक्शन का, तब भी हम क्या देते हैं, एंटी फंगल ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। द मोस्ट कॉमन सच पेशेंट इज द कैंसर पेशेंट विच न्यूट्रो पीनिया हु रिमेन फेब्रिल ऑन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। हम ये तब भी देते हैं जब आपके न्यूट्रोफिलिक्स में क्या हो जाते हैं, WBC का पार्ट है वो आपके कम होने शुरू हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ माइकोटिक क्रोनियल अल्सर, केराटिटिस, फंगल एरेथिया। नेक्स्ट है आपके लाइपोसोमल एम्फोटेरासिन बी थेरेपी विद एम्फोटेरासिन बी इज ऑफ्टन लिमिटेड बाय टॉक्सिसिटी, स्पेशली ड्रग इंड्यूस्ड रीनल इम्पेयरमेंट। दिस हैज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ लिपिड ड्रग फॉर्मुलेशन और एंजम्पशन डेट लिपिड पैकेज ड्रग बाइंड टू मेमेलियन मेम्ब्रेन रेस्ट रैपिडली, परमिटिंग द यूज ऑफ इफेक्टिव डोजेज ऑफ अ ड्रग विद लोअर टॉक्सिसिटी।
यह है लाइपोसोमस एम्फोटेरिसिन प्रिपरेशन पैकेज द एक्टिव ड्रग इन लिपिड डिलीवरी व्हीकल्स. द लिपिड व्हीकल देन सर्व एज एन एम्फोटेरिसिन रिजर्वायर रिड्यूसिंग नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग टू ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन. दिस प्रेफरेंशियल बाइंडिंग allow for a reduction of toxicity without sacrifice efficacy or permit use of large drug. Furthermore, some fungi contain lipase that may liberate free amphotericin B directly to the site of infection. अगर हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की, तो एडवर्स इफेक्ट आते हैं आपके फीवर आते हैं, चिल्स आते हैं, मसल्स स्क्रैम्बल यानी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग, हेडेक एंड हाइपोटेंशन. दे कैन बी रिड्यूस बाय slowing the infusion rate and decrease the daily dose. इनकी जितनी भी आपके अगर हम जैसे जैसे हम डेली डोज को रिड्यूस करते जाएंगे, ऐसे ही आपके क्या हो जाएंगे, इन्फ्यूजन रेट बढ़ जाएगा. रीनल इम्पेयरमेंट का मतलब है लो लेवल ऑफ ड्रग सीक्रेटेड इन यूरिन. रीनल इम्पेयरमेंट का मतलब जैसे हम ये ड्रग देंगे तो कुछ टाइम बाद हमारी किडनी काम करना बंद कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रग्स जो एक्सक्रीट आउट होनी थी यूरिन में वो कम आनी शुरू हो जाएगी, जिससे ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा, रीनल ट्यूबुलर फंक्शन कम हो जाएगा, केराटिन क्लीयरेंस कैन ड्रॉप एंड पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर लॉस्ट. नेफ्रोटॉक्सिसिटी मे बी पोटेंशिएटेड बाय सोडियम डिप्लेंटेशन, दस अ बोल्स इन्फ्यूजन ऑफ अ नॉर्मल सेलिन बिफोर और आफ्टर एम्फोटेरिसिन बी इन्फ्यूजन में रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी. नेक्स्ट है आपका फ्लूसाइटोसिन. फ्लूसाइटोसिन आपकी एंटी कैंसर में भी यूज होती है. क्यों? क्योंकि क्या है आपकी ये कॉम्बिनेशन विद, इसको हम किसके साथ देते हैं, एम्फोटेरिसिन बी के कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक माइकोसिस एंड मेनिनजाइटिस कॉज्ड बाय द क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस एंड कैंडिडा एल्बिकेनस. ठीक है, फ्लूसाइटोसिन को हम हमेशा एम्फोटेरिसिन बी के साथ देते हैं ताकि जो भी आपका मेनिनजाइटिस यानी कि मेनिनजिस में इंफ्लेमेशन कॉज हो रही है किसी फंगस की वजह से, तो वो वहां पे रुक जाए उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए. अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, 5-fluorocytosine एंटर फंगस एज वाया साइटोसिन स्पेसिफिक परमेसिस एंड एंजाइम नॉट फाउंड इन मैमेलियन सेल्स एंड कन्वर्टेड इनटू फ्लोरोयूरासिन. 5-fluoro is then converted 5-fluorouracil ribose monophosphate, then is either converted to 5-fluorouridine triphosphate encrypted into RNA and disrupt nucleic acid and protein synthesis. ये क्या करती है, ये वाली ड्रग्स क्या करती है, मेनली RNA को डिस्ट्रिप कर देती है. ठीक है, RNA को बनने ही नहीं देती. RNA नहीं बनेगा तो न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा. न्यूक्लिक एसिड नहीं बनने की वजह से क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस भी रुक जाएगी. तो जो कन्वर्टेड हो रहा है 5-fluoro-2-deoxyuridine 5-monosulfate वो भी कन्वर्ट नहीं होगा. इट इज अ पोटेंट इनिबिटर ऑफ थाइमिडिलाइज सिंथेसिस एंड दस डिप्राइव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थाइमिडाइलिक एसिड एंड एसेंशियल डीएनए कंपोनेंट. एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, मेनली इन सेल की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या रहता है, 5-fluorocytosine क्या करता है, आपके साइनर्जिक एक्शन भी प्रोड्यूस करता है, दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. क्लिनिकल यूज की बात करें तो हम फ्लूसाइटोसिन इज नॉट अ सिंगल एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स डिमॉन्स्ट्रेटेड साइनर्जिक विद अदर एजेंट टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. इट इज यूज एज अ कॉम्बिनाइन थेरेपी. इसको हम कॉम्बिनेशन थेरेपी के लिए देते हैं ताकि जो भी मेनिनजाइटिस है या फंगल इन्फेक्शन है जो बढ़ रहा है उसको इफेक्ट उसका अच्छा जाए. इट इज नाउ कॉमन प्रैक्टिस इन HIV नेगेटिव पेशेंट विद क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस टू बिगन विद एम्फोटेरिसिन बी प्लस फाइटोसाइटोसिन. ये पेशेंट में क्या करता है, इस साइनर्जिक इफेक्ट की वजह से पेशेंट में बहुत इंप्रूव आता है. ये आपका क्लिनिकल यूज रहेगा. क्लिनिकल यूज में हम क्या करेंगे, जिसको भी जैसे किसी को भी फंगल हो जाता है क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस की वजह से, तो हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं.